आज के इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा चाइनीज जेंडर कैलेंडर। चाइनीज जेंडर कैलेंडर क्या होता है, क्या ये हर साल बदलता है, और चाइनीज जेंडर कैलेंडर को हम कैसे चेक करेंगे, किस हिसाब से, कौन सी उसमें चीज़ें देखनी होती है जिससे बहुत आसानी से बेबी बॉय की प्रेडिक्शन हो जाती है, इस बारे में इस वीडियो में मैं बात करूँगी। चाइनीज जेंडर कैलेंडर का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मेरी कुछ सब्सक्राइबर का क्या एक्सपीरियंस रहा, इस बारे में बात की जाएगी। चाइनीज जेंडर कैलेंडर की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, क्या वो आज भी मौजूद है। चाइनीज जेंडर कैलेंडर जो है वो आज भी चीन के संग्रहालय में मौजूद है। तो चलिए डिटेल और पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को देखिए, और गए जितने भी मन में आपको डाउट है, डर है, चाइनीज जेंडर कैलेंडर से कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं मॉम्स पॉइंट। गाइज ये मेरा नया चैनल है, सो गाइज जितना प्यार आप लोग प्राइम मॉम चैनल को देते हैं उतना ही प्यार आप इस चैनल को भी दीजिए। यहाँ हम बात करते हैं चाइनीज जेंडर कैलेंडर की। जो आपके क्वेश्चन आते हैं कि क्या ये हर साल बदलता है, जैसे हम डेली लाइफ में जो कैलेंडर यूज़ करते हैं वो चेंज होते रहता है, यानी कि 2020 का कैलेंडर आया, फिर 21, फिर अभी 2022 का कैलेंडर जो है वो चल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं हमारे डेली लाइफ के अंदर, लेकिन अगर हम चाइनीज जेंडर कैलेंडर की बात करें, ये कभी भी नहीं बदलता है, ये अपडेट होता ही नहीं है। जो एक बार बना हुआ है, पहले के सदी में अगर बात किया जाए तो चीन के महाराजा ने इस कैलेंडर को एक ज्योतिष से बनवाया था, जो अपने बच्चों के लिंग पता करने के लिए बनाया गया था। वो आज भी चीन के संग्रहालय में मौजूद है। अब अगर बात किया जाए आप कैसे देख सकते हैं उसे, तो अब बहुत आसानी से गूगल पे बहुत सारी तस्वीरें हैं, या फिर मैं इस वीडियोज़ के अंदर जो तस्वीरें लगा रही हूँ इसके थ्रू भी आप जान सकते हैं। देखना आसान होने वाला है, क्योंकि आपको सिर्फ दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर पहले चीज़ की बात करें तो मदर की एज क्या है, जिस एज में आपने कंसीव किया था। दूसरा पॉइंट होगा कौन से महीने में कंसीव किया, जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर, जिस भी मंथ का आपका कंसेप्शन होगा, बेबी कंसेप्शन, सेम उसे ही सेलेक्ट करना है। अगर एग्जांपल की बात करें तो बहुत आसानी से समझ पाएंगी, मेरी उम्र जब 28 ईयर्स थी और जनवरी मंथ में मुझे कंसीव हुआ था, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बेबी बॉय आ रहा है, और मेरे केस में ये बिल्कुल सही साबित हुआ था। वही मेरी कुछ दोस्त हैं, 3-4 फ्रेंड्स हैं, इनमें से दो के केस में सही साबित हुआ था, दो के केस में सही साबित नहीं हुआ था। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो चाइनीज जेंडर कैलेंडर है वो दावा करता है 90% या 95% सही होने का, ये ज़रूरी नहीं है। किसी किसी में सही साबित होता है, किसी किसी में सही साबित नहीं भी होता है। अब अगर हम बात करें, और अगर एक्स्ट्रा आप इस टॉपिक के ऊपर जानना चाहती हैं तो बहुत आसानी से जान लेंगी, जैसे कि या तो आपका जिस ईयर में बर्थ हुआ है और जिस ईयर में आपका कंसेप्शन हुआ है, दोनों अगर या तो इवन है यानी कि सम है, या फिर ऑड है या विषम है, दोनों ही विषम है या दोनों ही सम है तो बॉय का कनेक्शन है, या एक सम है एक विषम है, तो अगर अपोजिट आता है तो ये गर्ल को कनेक्ट करता है। आई थिंक गाइज यहाँ और इस वीडियो के अंदर आपने बहुत अच्छे तरीके से जान लिया कि चाइनीज जेंडर कैलेंडर को कैसे चेक करना है और कैसे जानना है। अब भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए, और अपने ईयर को लिखिए, और अपने डेट ऑफ कंसेप्शन, जिस पहला महीना, जिस महीने आपका पीरियड मिस हुआ है, उस मंथ को नंबरिंग वाइज लिखिए। मैं आप लोगों का कैलकुलेट करके अभी के अभी बताने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।